नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस खास कार्यक्रम सत्संग संदेश में। मैं हूं आपके साथ नेहा सर्वेश शुक्ला। इस कार्यक्रम में हम आप लोगों को बहुत सारी जानकारियां देने की कोशिश करते हैं ताकि आप जागरूक हो सके, आप बीमारियों से बच सके, धर्म की जानकारी आप लोगों तक पहुंचे और साथ ही साथ व्रत और त्योहारों के बारे में भी आप जान सकें। तो चलिए हेडलाइंस के द्वारा आपको बताते हैं कि इस सप्ताह आपके लिए क्या कुछ है खास। धर्म में आज बताएंगे भगवान शिव ने क्यों खोला तीसरा नेत्र। आचार्य बाल कृष्ण जी से जानेंगे गुलाब के गुणों के बारे में। योग अमृत में स्वामी रामदेव जी बताएंगे कफ खांसी को दूर करने के उपाय। और साथ ही मिलेगी जानकारी इस सप्ताह के व्रत और त्योहारों के बारे में। धर्म में आज बात करेंगे भोले भंडारी की। भोले उन्हें इसलिए भी कहा जाता है क्योंकि वो बहुत जल्दी प्रसन्न होकर भक्त को मनचाहा वरदान दे देते हैं, पर जब क्रोधित होते हैं तो क्षण भर में विनाश भी कर देते हैं। आज हम आपको शिव से जुड़े ऐसे प्रसंग के बारे में जानकारी देंगे जब क्रोध में आकर प्रभु ने अपना तीसरा नेत्र खोल दिया और तब पूरी सृष्टि में हाहाकार मच गया। प्रभु ने क्यों खोला अपना तीसरा नेत्र, क्या था वो कारण, आइए जानते हैं। देवाधिदेव महादेव देवों में एकमात्र ऐसे देवता हैं जिनके तीन नेत्र हैं। त्रिनेत्र होने के कारण भगवान शिव का एक नाम त्रिलोचन भी है। ये तीन नेत्र त्रिगुण को संबोधित हैं। दायां नेत्र सत्व गुण को संबोधित करता है और बायां नेत्र रजोगुण को, तथा ललाट पर स्थित तीसरा नेत्र तमोगुण को संबोधित करता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान शिव ने कामदेव को भस्म करने के लिए तीसरा नेत्र खोला था और कहीं न कहीं उसके पीछे कारण था दानव तारकासुर, जिसने ब्रह्मा जी से वरदान पाया था कि उसकी मृत्यु भगवान शिव के पुत्र के हाथों ही हो। शिव समाधि में थे, उन्हें समाधि से जगाना बेहद जरूरी हो गया। तब देवताओं ने कई तरह के प्रयोजन किए लेकिन शिव समाधि से बाहर नहीं आए। तब कामदेव ने समाधि स्थल पर पहुंचकर एक वृक्ष के पीछे से पुष्प बाण चलाया। बाण सीधा भोलेनाथ के हृदय में लगा। भोलेनाथ समाधि से जाग गए और क्रोध में उनका तीसरा नेत्र भी खुल गया। तीसरा नेत्र खुलते ही वहां उपस्थित कामदेव जलकर भस्म हो गए। आइए अब आचार्य जी से जानते हैं गुलाब के गुणों के बारे में। अपनी खुशबू से पूरे वातावरण को महकाने वाले इस फूल में कई गुण मौजूद हैं। गुलाब विटामिन सी से भरपूर होता है, इसके साथ ही इसके फूलों का रस खून को भी साफ करने में मदद करता है। आयुर्वेद में गुलाब को महाकुमारी, शतपत्री व तरुणी आदि नामों से जाना जाता है। आइए आचार्य जी से जानते हैं कि इसका प्रयोग और किस प्रकार से हमारे लिए फायदेमंद होगा। आज हम आपके लिए एक और बहुत ही दिव्य पुष्प जो भरपूर है औषधीय गुणों से, जो प्रतीक है प्रेम का, इसका नाम है गुलाब। यह एक बहुत ही दिव्य पुष्प है, बहुत ही गुणकारी पुष्प है। आप जानते हैं कि जहाँ गुलाब की खुशबू आती है, भीनी भीनी गुलाब की खुशबू आपके दिमाग को, आपके दिल को, आपके मस्तिष्क को तरोताज़ा कर देती है। यदि आप चाहते हैं कि स्ट्रेस से बचें, नींद आपको अच्छी आए, तो आप इसकी गुलाब की, देसी गुलाब जिसके अंदर जो प्राकृतिक रूप से खुशबू है, वो खुशबू वाले गुलाब को आप अपने कमरे में गुलदस्ते में लगाइए। फिर आप देखेंगे उसकी महक से, उसकी सुगंध से आपको मिलेगी भरपूर अच्छी नींद, आपको आनंद से, आप चैन से सो पाएंगे। और यदि आप ऐसा चाहते हैं तो गुलाब के फूलों को, आप चाहे कुछ फूलों को, चाहे इस तरह से गुलदस्ते के रूप में गुलाब, देसी गुलाब के फूल को तोड़ करके अपने सिरहाने पर रख कर आप सोएं और देखिए फिर भय के भूत और डरावनी स्वप्न, उनसे मिलेगी आपको मुक्ति। तो आनंद की प्राप्ति के लिए, मानसिक शांति के लिए और बाह्य दोषों की निवृत्ति के लिए हम अपने घरों में देसी गुलाब के पौधों को लगाएं। इससे जो आपके वास्तु दोष हैं, इससे आपके जो गृह के जो दोष हैं, वह भी इससे ठीक हो जाते हैं।
इसके अंदर से जो निकलती हुई जो खुशबू है वो बहुत तरह के जो बैक्टीरिया और वायरस हैं, जो विषैले जीवाणु और कीटाणु हैं, उसको खत्म करता है। यह गुलाब का वो गुलाब के अंदर से निकलती हुई खुशबू और यह गुलाब का जो फूल है, इसकी जो यह सुंदर सुंदर पुष्प हैं, यह आपके मन की प्रसन्नता को बढ़ाते हैं, यह अभिवृद्धि करता है आपके मन के सात्विकी वृत्तियों को। यह पुष्प अत्यंत सात्विकी है, आँखों में किसी भी तरह से किसी भी तरह की परेशानी हो, जलन हो, आँखों की रोशनी को लेकर के या किसी तरह की इन्फेक्शन हो, उसके लिए यह लाभकारी है। गुलाब जल जो है, गुलाब फूल में से जो जल बनाया जाता है, जो अर्क निकाला जाता है, गुलाब जल यानी गुलाब का जो अर्क है वह अत्यंत लाभकारी है। आप गुलाब जल का प्रयोग, इस गुलाब का अर्क का प्रयोग वह भोजन में भी कर सकते हैं, अपने सौंदर्य वर्धक संसाधनों के लिए भी। गुलाब जल की जो मालिश है, चंदन और गुलाब जल को घिस करके यदि आप पूरे शरीर में लेप करते हैं तो उससे आप देखते हैं कि आपकी जो खुशबू है, आपकी शरीर की स्किन की जो रूखापन है, त्वचा की जो रुक्षता है, वह भी आप दूर कर सकते हैं। अब योग अमृत में स्वामी रामदेव जी से जानेंगे कफ खांसी को दूर करने का उपाय। बदलते मौसम के साथ ये कफ सर्दी और खांसी आम बात है, पर परेशानी तब होती है जब ये जाने का नाम नहीं लेते और कुछ दवाइयों के प्रयोग के कारण ये हमें उल्टा परेशान करने लगते हैं। तो आइए स्वामी जी से जानते हैं योग और औषधि के द्वारा इन रोगों से कैसे बचा जा सकता है। कफ, बलगम, सर्दी, जुकाम, गले में खराश, खांसी, पांच तरह के ये कफ रोग बहुत परेशान करते हैं। बच्चों को च्यवनप्राश खिलाइए, बच्चों को यदि जो है खांसी हो गई है तो उनको श्वासारी लिक्विड हम बनाते हैं प्रवाही पीने के लिए, वो सिरप पिलाइए, आयुर्वेदिक सिरप। जिनका भी गला खराब रहता है, मुलैठी, काली मिर्च मिश्री मुंह में डालकर के चूस लें, ये गले के लिए बहुत अच्छा होता है। और गले के लिए बहुत अच्छा होता है, हम अंगूठे के नीचे से यहाँ से दबाते हैं गले के लिए और थायराइड के लिए दोनों के लिए। और भस्त्रिका, कपाल भाति, उज्जायी और अनुलोम विलोम प्राणायाम, प्राणायाम का सीधा असर हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम पर पड़ता है, चाहे भस्त्रिका हो, कपाल भाति हो, उज्जायी हो या अनुलोम विलोम प्राणायाम हो, सीधा हमारा रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है। जिसका रेस्पिरेटरी सिस्टम स्ट्रांग होता है उसको कफ की कोई प्रॉब्लम हो ही नहीं सकती है। कफ बलगम के लिए सौंठ, पीपल, काली मिर्च, इसको त्रिकुटा बोलते हैं, त्रिकुटा और त्रिफला हमारे यहाँ आयुर्वेद में बहुत प्रसिद्ध औषधियाँ हैं। ये सौंठ, पीपल, काली मिर्च, त्रिकुटा एक एक ग्राम शहद के साथ चाटने से किसी भी तरह का कफ हो, बलगम की प्रॉब्लम हो, ठीक हो जाती है। और बहुत क्रोनिक कफ होने पर 20 ग्राम त्रिकुटा, 20 ग्राम से 25 ग्राम सेतुपलादी और 21 ग्राम स्वासारी, 5 ग्राम अभ्रक भस्म, 5 ग्राम प्रवार पृष्ठी, 10 ग्राम अमृता सत, और बहुत क्रोनिक है तो 2-3 ग्राम स्वर्ण संत मारती इसमें मिला देते हैं और ये शहद से 1-1 ग्राम चटा देते हैं, तो कैसा ही कफ हो, कोल्ड हो, सर्दी हो, जुकाम हो, पुराने से पुराना नजला हो, ये सब का सब इससे ठीक हो जाता है और कफ बलगम से आपको बचाता है। जिनको भी कफ की प्रॉब्लम है, मोटापा है, पेट खराब रहता है, वो गर्म पानी पिया करे, ठंडा पानी पीने से भी कफ की प्रॉब्लम बढ़ जाती है। और जिनको कफ की प्रॉब्लम है वो चिकनाई से बचें, चिकनी चीज़ों से बचें, घी और तेल से बचें, दूध में भी हल्दी डाल करके लें और चाय के तौर पर आप दिव्य पेय का सेवन करें, इससे आपको कफ रोगों से तुरंत छुटकारा मिलेगा और प्राणायाम करने वाले को तो कभी कफ का रोग होगा ही नहीं। चलिए अब बारी आती है आपको इस सप्ताह के व्रत और त्योहारों से अवगत कराने की, ताकि आप भी धर्म से जुड़ सकें। बाईस अप्रैल संकष्टी चतुर्थी, 26 अप्रैल कालाष्टमी। तो ये था इस सप्ताह का सत्संग संदेश। आज के लिए इस कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। मन में आपके जो सवाल हैं, जो क्वेश्चंस हैं, वो आप हमारे साथ शेयर कर सकते हैं इन पर्सन्स का ग्रुप डॉट इन के द्वारा। आज के लिए इतना ही, हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।